सब चीजें करनी होती तो मेरे साथ शादी क्यों करके बैठे थे? क्यों करी थी शादी? यार तेरे से प्यार किया था, वो भी कुत्ता कर दी थी 9 साल पहले। तो मेरे से शादी के बाद क्यों थी? शादी से पहले प्यार किए थे। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज सालू को ऊपर ना बहुत ही अच्छा प्रैंक होने वाला है, सरप्राइजली देने वाला हूँ उसको वैलेंटाइन डे से पहले। बहुत ही मजेदार प्रैंक है, प्रैंक को लास्ट तक जरूर देखना। अगर ये प्रैंक सक्सेसफुल हो जाए ना दोस्तों मजा आ जाएगा। आज तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा कसम से दोस्तों। कैमरा को मैंने छुपा दिया है, तो चलिए करते हैं सालू का इंतजार। हेलो नेहा, आई लव यू जानू, कैसी है यार? वैलेंटाइन डे आने वाला है। हाँ हाँ यार, मिलने के लिए आऊंगा जरूर। अरे तेरे लिए गिफ्ट भी रखा हुआ हूँ, टेंशन मत ले यार। अरे यार वो मोटी थोड़ी रुक पाएगी मेरे को, आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ 3-4 दिन है ना अभी। अरे तेरे लिए ना नेकलेस रखा हूँ, एक पैसे बचा के यार सैलरी में से। अरे मोटी को थोड़ी पता है यार। यार मैंने 1 साल से अपने लिए कपड़े नहीं लिए, लेकिन 1 साल से पैसा जोड़ रहा हूँ मैं। एक एक पैसा जोड़ के ना तेरे लिए नेकलेस बनवाया हूँ मैं, बहुत ही अच्छा नेकलेस है यार। नहीं नहीं, नेकलेस भी घर भी दे दो ना उसी को। तू कहाँ से आ गई मोटी यहाँ पे, क्या हो गया यार? तू तो बोल रही थी 15-20 मिनट में आ रही, तू कहाँ से आ गई अभी? सही है ना, मैं आ गई, मैं अपना फोन लेना ले जाना भूल गई थी यहाँ से। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहा हूँ? किससे बातें हो रही है? किससे बातें हो रही है? शुक्र है, अच्छा है भगवान ने तुम्हारा ना यही चेहरा दिखाने के चक्कर में ना मेरे हाथों से फोन बुलवा दिया यहीं पे। मैं अपना फोन लेने आई थी पर मेरे को पता नहीं था तुम मेरे जाति क्या कर रहे हो यहाँ पे। किससे बात हो रही है? जब तूने सुन लिया तो यही है सच्चाई यार। हाँ देर से नहीं करता प्यार में, चल। नहीं मुझसे नहीं करते तो किससे करते हो? अपनी पर्सनैलिटी देख, मेरी पर्सनैलिटी देख। क्या देखूं? सिक्स पैक एब्स बॉडी है। हाँ कोई बात नहीं, सिक्स पैक है तो रहने दो, तुम्हारे सिक्स पैक है तो अपने लिए, मेरे लिए नहीं है समझे। ये क्या हो गया, ठीक है ना? मतलब नहीं, तुम पतले हो गए तो तुम क्या लड़कियों को पटाने में लगे हो, इसीलिए वेट लॉस किए थे क्या अपना? हद हो गई यार, मैं नहीं पटाता किसी को, खुद पटा लेती है मुझे कोई और, ठीक है ना? अब इतना अच्छा फिजिक जो हो गया मेरा, क्या हो गया? तो यहाँ कर क्या रहे हो फिर, उन्हीं के पास जाओ ना। क्यों, मैं अपने घर में नहीं रहूं, मेरा घर है, ठीक है ना? हद हो गई यार, दिमाग खराब करके रखी हुई है। शर्म नहीं आ रही है? अबे मुझे शर्म नहीं आ रही, एक बच्चे का बाप बन के ऐसी हरकतें करते फिर रहे हो। एक बच्चे का बाप बन के तो एक बच्चे का बाप प्यार नहीं कर सकता, आस की नहीं कर सकता है? कर तो सकता है, पर अपनी बीवी से, किसी और से नहीं। जब एक बच्चे का बाप ना सिक्स पैक एब्स बना सकता है तो बंदी पटा भी सकता है, ठीक है ना? चला नहीं यहाँ से, और ले तुम्हारा फोन है, जहाँ पे अपने दोस्तों से जाके बात कर, मैं थोड़ा मिल के आता हूँ अपने दोस्त रोहित से। किससे मिलने जा रहे हो? अबे किससे मिलने जा रहे हो? रोहित से बोल रहा हूँ, जिससे बातें कर रहे हो उससे मिलने जा रहे हो? ये यहाँ पे नहीं, चंडीगढ़ में रहती है, ठीक है ना? तू चंडीगढ़ तो गए नहीं, तो कहाँ मुंह मार के आएंगे वैलेंटाइन डे पे तेरे साथ मनाएंगे वैलेंटाइन डे? 9 साल हो गए मेरे को तेरे साथ रहते हुए, वैलेंटाइन डे पे एक ही चेहरा देखते आ रहा हूँ मैं। मेरे को एक बात बताओ, तुम तो गए नहीं, तुम्हें कहाँ से मिल गई चंडीगढ़ की लौंडिया, कहाँ से मिली? अरे हम पे तो चंडीगढ़ क्या, हैदराबाद की लड़की तक मरती है। क्यों दुनिया में नाच के आए थे? क्यों हैदराबाद नहीं गया था मैं, तेरे साथ ही तो घूमने गया था, ठीक है ना? तब मैं थोड़ा सा मोटा था यार। जब तुम्हें ये सब चीजें करनी होती तो मेरे साथ शादी क्यों करके बैठे थे? क्यों करी थी शादी यार, इतना चिल्ला क्यों रही है? मुंह मार लेते ना, मेरे से शादी क्यों की तुमने? इतनी एंग्री क्यों हो रही है? तेरे को अपना फोन दिखाओ, किस से बात? ये मेरा फोन है, तेरा फोन नहीं है, ठीक है ना? कभी तेरा फोन है, आ गई यहाँ पे अम्मा, तूने 10 किलो वजन लॉस किया है, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं हो तो मेरी बराबरी पे आ गई है, मेरी बराबरी। मुझे करने का कोई शौक भी नहीं है बराबरी, ठीक है ना? पर तुम्हें ये मतलब नहीं है कि तुम बेवकूफों की तरह हरकतें करते फिरो। क्या बेवकूफों की तरह हरकत कर ली? एक बच्चे का बापन के तुम्हें ज्यादा लौंडा बन रहा है यहाँ पे। क्यों, कहाँ के लड़के हो तुम? गुनाह है। हाँ गुनाह है, शादी के बाद प्यार नहीं होता तो क्या होता है? उसको कुत्ता गर्दी कहते हो जो तुम कर रहे हो। कुत्ता गर्दी कर रहा हूँ? तेरे से प्यार किया था, वो भी कुत्ता गर्दी थी 9 साल पहले। मेरे से शादी के बाद क्यों थी? शादी से पहले प्यार किए थे यार। तू अपना फोन ले, तू जा यार यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया यार पागल। आंखें मत दिखा, बटन जैसी आंखें अपनी, ठीक है ना? ऐसे ही अच्छा दिख रहा हूँ ना, और सर्दी तो गई यार, वैलेंटाइन डे पे यही पहन के जाऊंगा मैं। तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही गर्मी फूक रही है, हमने हाई नेक पहन रखे, तुम्हें कौन सी गर्मी आ रही है इतनी? यार मैं देख रहा था कि क्या ठूस के मुंह में तो गर्मी फूक रही है इतनी। अबे यार हमने तो ऐसे ऐसे खाने खाए है ना, जब गर्मी
मैं सर्दी लगती है, सर्दी में गर्मी लगती है, हमें उल्टा है हमारा मौसम का सिस्टम। ठीक है, अब क्या देख रही है तू, ऐसे मत देखा कर यार। सुधर जाओ अपनी हरकतों से यार। तो हम नहीं तो मुझसे बुरा कुछ कोई नहीं होगा, याद रखना। तो हम बिगड़े कब थे, बिगड़े कब थे, बिगड़े ये बोलो, तुम बिगड़े हुए थे, मैंने सुधारा था तुम्हें अपनी इतना शादी भी। क्यों की इस बिगड़े हुए इंसान से। क्यों तुम इतना सुधारने के बाद किसी और को दे दूं? अबे यार, तो कौन ले रहा है तेरे पति को, पहले हमें बता दे। किससे बतला रहे तुम? अबे मैं किसी से बतला नहीं रहा था, मैं तो प्रैंक कर रहा था। तेरा एंग्री रिएक्शन देखे बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए यार। जब तेरा एंग्री रिएक्शन नहीं रहता तो दिल में ठंडक नहीं मिलती है उनके दिल में। कहाँ है कैमरा? कहाँ है कैमरा जो तुम अरे प्रैंक कर कैमरा उधर लगा हुआ पीछे, तुम हमेशा यहाँ देख लेते हो और उल्टा प्रैंक मेरे पे हो जाता है। वो सामने लगा हुआ है यार, यार म्यूजिक चल रही है बाहर में, इसलिए यहाँ पे कैमरा नहीं मतलब लगाया अभी यार। मैं 2 मिनट के लिए घर से बाहर गई थी, मैं तुम्हारा कैमरा भी लग गया। तू अच्छा दिख रहा है, सिक्स पैक एब्स देखने। यस बेबी, किसको ओहो दिखवा? चोट लगती है यार। चोट लगती है। हेलो भैया, कसम से प्रैंक हो रहा है, एंग्री मत हुआ कर। ठीक है, तेरा फोन भी तो लगा रखा मैंने कैमरे में, सच्ची में यार। देख तुमने छुपाया था मेरा फोन? यार, वो मेरा वो कैमरा खराब हो गया, ठीक है ना, इसलिए तेरा फोन से बना रहा हूँ मैं प्रैंक। यानी कि तुम अपनी कमीनागर्दी से कभी बाज नहीं आ सकते, अबे है तो ना? बाज किसको आनी है यार, 4 दिन हो गए यार, एंग्री नहीं हुई थी तू, आज हो गई ना एंग्री। दोस्तों सच्ची में मजा आ गया, देख लो चेहरा, मैडम जी का चेहरा गोल मटोल गुस्से वाला। ठीक है, प्रैंक हो गया। अबे नहीं यार, ये यार चोट लगती है यार, चोट लगती और है ठंड भी लग रही है, मैं जा रहा हूँ स्वेटर डालने के लिए। तो क्यों बने हुए यहाँ पे हीरो? यार पतला हो गया हूँ तो थोड़ा सा यार, अभी से थोड़ा सा वो कर रहा हूँ ना, शुरुआत कर रहा कितने हूँ कि हीरो गर्मी बन आ लो, जाएगी। लगना तुम्हें गोबर और लक्कड़ बक गई है बेवकूफा। मैडम तो नाराज हो गई सच्ची में। दोस्तों तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।